आर इन साउथ गोवा नाउ, जैसा कि आप देख सकते हैं मानसून चल रहा है और हमारा दो दिन का ट्रिप है। आज हम इस दो दिन में पहले दिन में जाएंगे नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, थोड़ा सा हम अनएक्सप्लोर्ड एरियाज जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि साउथ गोवा में सेंचुरीज हो गई और वो आपको दिखाना चाहेंगे और खुद भी घूमना चाहेंगे। इन दो दिनों के लिए हमारे पास मारुति स्विफ्ट रहेगी पेट्रोल और हम इसका भी रिव्यू करेंगे कि प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट पे ये कैसा परफॉर्म करती है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले दो दिनों के लिए और कुछ मिनटों में आपको हम गोवा भी बताएंगे और मारुति स्विफ्ट के बारे में बताएंगे। है मॉनसून है, गाड़ी हमने ले रखी है जैसा मैंने बताया आपको, और कहते हैं कि ये ऑफ सीजन होता है, लेकिन जो मैंने समझा कि गोवा में कोई भी ऑफ सीजन नहीं है, खूब सारे ट्रैफिक हैं, खूब सारे लोग दिख रहे हैं आपको बाहर से आए हुए, सो इट्स ऑल लाइक हसलिंग बसलिंग, कोई चेंज नहीं दिखा मेरे को। द सेकंड थिंग इज मॉनसून में गोवा की ब्यूटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बोलूंगा मैं, या जनरली लोगों ने देखी नहीं होती जो नहीं आते मॉनसून के अंदर, काफी ज्यादा ग्रीन हो जाता है, टेम्परेचर भी काफी सही होता है, ह्यूमिड तो एनवायरमेंट है यहाँ का, लेकिन मॉनसून में ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश की वजह से आप ज्यादा प्लेजेंट फील करते हो, सो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी हम गोवा में नॉर्थ गोवा में ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे टाइम, वी आर गोइंग टुवर्ड साउथ गोवा, और साउथ गोवा ज्यादा ग्रीन है, थोड़ा अनटच्ड भी है, उतना कॉमर्शलाइज भी नहीं है, और वही हमको भी पसंद है कि वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनको जाके देखें, जहाँ बीचेस में जा सकते हैं बीचेस में जाएं और कुछ एक्सप्लोर करें जितना भी आउटडोर हो सकता है, सो दैट इज व्हाट वी गोना डू नाउ। दोनों तरफ आपको इसके मिलेगा वेजिटेशन, बहुत डेंस वेजिटेशन, इट्स वी आर इन वेस्टर्न घाट्स नाउ, और बहुत अच्छी आपकी ड्राइव होती है, बहुत तेज ड्राइव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई भी आप गाड़ी लीजिए आराम से ड्राइव करिए, मौसम का मजा लीजिए, बहुत ही अच्छी साइट मानसून में रहती है, इट्स ऑल ग्रीन और बहुत ट्रैफिक यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सो इट्स अ वेरी गुड ड्राइव, टेक दिस हाईवे ऑफ 748 नेशनल हाईवे 566 टू रीच साउथ गोवा और आपको पूरी ड्राइव का एंजॉयमेंट मिलेगा रास्ते में। हम कैंकोना जा रहे हैं अभी, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो गोवा में अभी भी सिंगल रोड है और सिंगल रोड में दोनों तरफ आपके पेड़ होते हैं और एक वो शेड बनाते हैं ऊपर, जो काफी हद तक अब कम होता जा रहा है, तो वो आपको बड़ा मजा आएगा, ग्रीनरी यहाँ पे है ही। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे हर तरह के हाईवे मिल जाएंगे, आपको मोटर वे मिल जाएगा जिसमें वन वे ट्रैफिक होगा, आपको मिल जाएगा जिसमें सिंगल रोड होगी, तो आप वो सब रोड एंजॉय करेंगे। गोवा में इफेक्ट ऑफ अबाउट फूड, आपको यहाँ पे हर तरह का फूड मिल जाएगा, अगर आप यही चाहते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं या साउथ से आ रहे हैं वही मिले तो वो भी मिल जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है उसमें। मेरा रिकमेंडेशन इन जगहों पे ये होता है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कि आप लोकल फूड खाइए, पहली बात तो वो अच्छा बना होता है, फ्रेश भी होता है, और साथ में आप कहीं जा रहे हैं तो उसकी डेलीकेसी आपको ट्राई करनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप उसे पूरा पसंद करें या ना करें, जैसे मैंने भी काफ़ी गोवन चिकन करी खाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, गोवा की जो मैंने फिश की चीज़ ट्राई करी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा उतना सी फूड वाला प्लान नहीं है अभी टेस्ट का, तो वो एक आपको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप गोवा का फूड भी ट्राई कर सकते हैं और आप अगर अपना रीजनल फूड खाना चाहते हैं जो आपका अपना नेटिव है वो भी आपको मिल जाएगा, तो कर्नाटक का भी काफ़ी डिश आपको मिल जाएंगी, स्पेशली आपको मिल जाएगा उडुपी टाइप फूड या मैंगलोरियन फूड, वो भी आपको काफ़ी मिलेगा इधर, सो ऑल इन ऑल लॉट ऑफ ऑप्शन ऑन फूड। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं मेजोरिटी ऑफ देम वो आपको साउथ गोवा में मिलेंगी, तो वो ग्रीनरी वो एक अनटच्ड वाला एनवायरनमेंट, वो थोड़ा लेस कॉमर्शलाइजेशन अगर आपको देखना है तो उसके लिए साउथ गोवा है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, तो सेंचुरीज विजिट करूँगा मैं, एंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्थ गोवा पसंद है पार्टी टाइप है तो उधर है, ग्रीनरी है इस तरह की चीज़ें, तो आप साउथ गोवा में आ सकते हैं। नाउ व्हेन यू कम टू गोवा, आपको कम्यूट करने के लिए या तो आप टैक्सी लेंगे, टैक्सीज आर हॉरिबली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, तो टैक्सी मैंने करी थी पहले दिन में 8 घंटे और 80 किलोमीटर के 2,000 रुपये लेते हैं, और उसके बाद 80 किलोमीटर अगर आगे जाता है तो 18 रुपीज़ पर किलोमीटर जाता है, एंड माइंड इट 80 किलोमीटर गोवा में कुछ भी नहीं होता है,
क्योंकि डिस्टेंस काफी है, और जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो काउंट करते हैं गैराज टू गैराज। तो अगर आपके पास वो 30 किलोमीटर से आ रहे हैं तो वो 30 किलोमीटर भी आपके 80 किलोमीटर में काउंट होंगे, तो 80 किलोमीटर से आप ऊपर चले ही जाएंगे। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सजेशन ये है कि सब लोग यहाँ मोस्टली करते भी हैं कि आप गाड़ी रेंट पे ले लीजिए। स्विफ्ट आपको 1,000 से 1,500 रुपये के पीछे मिल जाएगी, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे रेट्स होंगे, बट दे आर प्रीटी मच रीजनेबल आउट से। अगर आप जूम कार से गाड़ी लेंगे तो उसका फायदा क्या है कि वो आपके टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके अमाउंट देंगे। अगर आप गाड़ी लेंगे यहाँ के लोकल कैरियर से, उनका कट ऑफ टाइम होता है, या तो आप उनसे गाड़ी सुबह 9 बजे लीजिए, सुबह 9 बजे छोड़िए। अगर आप उसे 12 बजे छोड़ेंगे अगले दिन तो वो सेकंड डे चार्ज कर देंगे। जूम कार में आपको ये फायदा मिल जाएगा, जूम कार भी लोकल से ही कार लेती है यहाँ पे, जितने भी लोकल गोवंस हैं मोस्टली उन्हीं की कार उसमें लगी हुई है, लेकिन वो पर आवर रेट चार्ज करते हैं और थोड़ा स्मूथ भी रहता है उसका पेमेंट, आप कहीं से करते हैं कार्ड से, कस्टमर सपोर्ट भी है। सो आई प्रेफर जूम कार, और मैंने कार ले ली, लेकिन आप लोकल से भी कार ले सकते हैं। बीचेस, बहुत सारे बीचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और काफी लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं बीचेस में। यहाँ पे बीच पे आपको कैफेज मिलेंगे, शैक्स मिलेंगे, और कई शैक्स यहाँ पे ओवरनाइट भी ओपन होते हैं, तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। तो दैट्स वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है, मेरे को भी काफी पसंद है, और सुबह और शाम बीचेस की बहुत अच्छी होती है। ब्रीज जो यहाँ पे चलती है वो काफी एंजॉयबल होती है, एंड काफी सारे खाने पीने की चीजें भी होती हैं आपको, जैसा मैंने बताया शैक्स के बारे में, कैफेज के बारे में, एंड दैट्स व्हाट यू गोना एंजॉय। That is where I have come for dinner. It's around 11 o'clock now, and that is what I like about Goa. बहुत ही छोटी सी कोने में कहीं आपको एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बैम्बू स्टिक टाइप लगी हुई हैं, you can have a look. Nice song, not too busy in this season, and that's really nice. After reaching Konkana, now we have started towards the Kotiago Bird Sanctuary or Wildlife Sanctuary. And यहाँ से जो drive start हो जाती है आपकी, वो बहुत ही खूबसूरत drive है, बिल्कुल जंगल के बीच में से निकल रहे हैं आप, जैसे आप अभी footage देख भी रहे होंगे, and it's a proper jungle, right left आपके बीच में road निकली हुई है, traffic यहाँ बहुत कम है, आप अपनी drive को enjoy करेंगे, because of wildlife या छोटे मोटे जानवर कोई भी आ सकते हैं, advisable गाड़ी तेज ना चलाएं जब। एंड यहाँ पे 2-3 बैक टू बैक सेंचुरीज हैं, तो आज उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। जब हम यहाँ पे एंटर हुए थे तो हमें यहाँ का खाने पीने का कुछ भी आइडिया नहीं था, कोई हमारा प्लान भी नहीं था, और यहाँ तक कि हमारी कोई बुकिंग भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ अच्छे खाने पीने की जगह मिली जिसने हमारे प्लान ही चेंज कर दिया। आगे देखिए। सो वी आर इन अ वेरी गुड रेस्टोरेंट इन द मिडल ऑफ द जंगल, जो बहुत कम लोगों को यहाँ पे ही पता था। ये कोटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं हम, एंड देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड बाय द नेम अर्थ नेस्ट, जो बिल्कुल ही जंगल के बीच में है। पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं वो एंट्री है उसकी, और कोई भी शोर शराबा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बेसिक खाना मिलता है, बट वो आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। यू कैन स्टे हेयर एज वेल, हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे खाना खाएंगे थोड़ा सा, फिर निकल जाएंगे। दिस इज द रेस्टोरेंट, ये ऊपर जाता है और वहाँ पे नाउ यू कैन सी दिस इज द सॉर्ट ऑफ You can stay here, and I'm sure रात में रुकने में बहुत ही मजा आएगा। Just for your information, this is the tree for cashew nuts. Sorry for this less visibility due to rain. लेकिन ये इसको पैदा होने में यहीं की ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, इसलिए इस रीजन में पैदा होता है कैश्यू नट, काजू जिसको बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई हैव सीन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। सामने अगर पहाड़ दिख रहे हैं वो सब वेस्टर्न घाट्स हैं, दे आर ऑल लोडेड विद ट्रीज, सब उसमें पेड़ ही पेड़ है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द हेरिटेज साइट और समथिंग, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। तो ये सब आपको
इवन इफ यू सी ऑन द राइट, यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे वो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे इसके अंदर, वो सब वेस्टर्न घाट से। दिस इज हाउ एक ही छोटा सा आपको वाटरफॉल मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं छोटे छोटे, और पूरे जंगल के इस एरिया में उनकी आवाज़ आती रहती है और ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में। और अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे एक बड़ा वाला वाटरफॉल है। यस, that's Baman Budho waterfall. It's inside the wildlife sanctuary and it's really beautiful. Kafi log yahan pe enjoy karne aaye hue hain. Number of tourists are here. They are taking shower as well, they are taking bath as well here. एक्चुअली हमने प्लान किया यहीं जंगल में अर्थन नेस्ट रिजॉर्ट में रुकने के लिए, जो कि बिल्कुल ही एक रैंडम प्लान था। दिस इज वेयर आई हैड माय फूड। इट्स ऑल डेंस जंगल। दो द रोड्स आर सिमिलर, बट मैं बैक टू बैक फोर्स हो रहा हूँ इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हर जगह में कुछ ना कुछ मुझे यूनिकनेस दिख रही है, कुछ ना कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आप रहते हो तो ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है आपकी आंखों को। एक और एंट्री गेट इसमें आ रहा है और ये और जंगल के रास्ते में लेके जा रहा है। हम ट्राई करते हैं इसमें जाके, और ये थोड़ा अनटच्ड लग रहा है और देखते हैं कैसा रहता है। हम इस कोठीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक फर्दर गेट के अंदर घुसे हैं अभी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे जंगल मेंटेन किया है। वाइल्ड लाइफ तो ज़्यादा नहीं है इधर, लेकिन इट्स बीन मेंटेन वेरी वेल। नो प्लास्टिक, नथिंग। और आप देख सकते हैं अभी वी आर ड्राइविंग डाउन, थोड़ा मडी ट्रैक है ये। मडी ट्रैक तो नहीं बोलेंगे, टार रोड है लेकिन खराब हुई भी है। बहुत ही सरीन फीलिंग है इसके अंदर। सो इन कौन का नाम है कोठीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हम काफ़ी डीप आ गए। एक और चेक पोस्ट आया, उसके बाद निकल के हम इसमें आ गए हैं और इधर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। आपको एक डीप डेंस जंगल में है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इधर आप गाड़ी से नीचे उतर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई रिस्क है जानवरों से, तो यहाँ पे नीचे उतरना अलाउड है। दूसरा, बहुत नेचर के करीब आ जाते हैं इधर आप, और आप उसे एंजॉय करते हैं। मैं तो काफ़ी एंजॉय करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं जितनी मिल रही हैं और जंगल को देख रहे हैं। द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट गोवा इज़ मुझे काफ़ी सेफ लगा ये। इवन इफ़ यू हैव गॉट सम फीमेल फ्रेंड्स विद यू और फीमेल फैमिली मेम्बर्स, और आप भी चाहें तो इसका ट्रिप बना सकते हैं। एंड आई विल लेट यू नो यहाँ पे रुकने का स्टे कहाँ पे है, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। देर इज़ अ ट्री टॉप हियर जो 700 मीटर दूर बता रहे हो, यहाँ से आप पैदल ही जा सकते हैं। पीछे की तरफ जहाँ हम जा रहे थे अभी हमें मना किया है, क्योंकि इट्स इवनिंग नाउ, इट्स अराउंड 5:30 और वही कट ऑफ टाइम होता है। जंगल काफ़ी बदल जाता है शाम के बाद, तो उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा है। 5:30 बजे से पहले पहले अगर आप 4:30 तक भी यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। हमने ये प्लान किया था कि हम अनकन्वेंशनल जाएंगे थोड़ा सा, और हम ये बीचेस हो गए, कैसिनोस हो गए, नाइट लाइफ हो गई, इसका तो यहाँ सब लोग करते ही आके, बट वी वांटेड टू डू समथिंग एल्स। हम थोड़ा नेचर के पास चाहते थे जाना, तो हमने जीरो डाउन किया अपने टाइम को देखते हुए कैनकोना के लिए, और उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमने जीरो डाउन किया। एंड आप बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक प्रिस्टीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, और आप अपनी वॉक भी कर सकते हैं, आप गाड़ी में भी घूम सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा एरिया है जिसको आपको गाड़ी में घूमने में मज़ा आएगा, अपनी फैमिली के साथ, और आप अकेले भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी इस तरह के डेंस जंगल मैंने देखे, वहाँ पे उतरना अलाउड नहीं होता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे काफ़ी होती है, बट आई थिंक यहाँ पे एक वो एक्सेप्शन है।
यहाँ पे आप उतर सकते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ उतनी नहीं है। दूसरा, अंदर आपको स्टे भी मिल जाएगा रुकने के लिए, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा उसका, यहाँ पे हम रुके थे। वो बिल्कुल जंगल के बीच में, बिल्कुल घाट के बीच में बना रखा है उन्होंने, प्राइसिंग इज ऑल्सो प्रीटी मच रीजनेबल। तो वहां पे रुकने में एक अलग ही मजा आया, बिल्कुल आप नेचर के पास थे, खाना वाना आपको सब मिल रहा था, प्लस उन्होंने वाईफाई भी दे रखा था। एंड अदर एस्पेक्ट इज, अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाएंगे तो आप ड्राइव को बहुत एंजॉय करेंगे, जो हमने भी किया। हम पहले एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा पहुंचे, वहां घूमे थोड़ा बहुत, फिर हम निकल के साउथ गोवा की तरफ आए। तो दैट वॉज अगेन ग्रीनरी के बीच में, मानसून चल रहा था और उसमें ट्री आपके शेड्स बनाते हैं, आसपास आपके पूरा ग्रीनरी चल रही होती है, तो आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई थिंक जब भी आप इधर गोवा आए तो एक बार ये ट्राई करिए आप, अगर आप नेचर के लवर हैं और आपको इस तरह की लोकेशंस पर रहना अच्छा लगता है, लेट अस नो योर फीडबैक। और अगर आप भी वहाँ पे गए हैं, इफ यू हैव एनी इनपुट डू लेट अस नो, वी वुड लव टू नो दैट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग, प्लीज डू वॉच एंड सब्सक्राइब फॉर आवर यूट्यूब चैनल, वी गेट मोटिवेटेड आउट ऑफ योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस, उसी की वजह से हम ये सब बनाते हैं। तो आप वो करिए प्लीज, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।